माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषित तेल, नमक और दाल चना की योजना जो NFSA के तहत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, उसमें यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्च तक यानी होली तक कहा था कि सबको निःशुल्क मिलेगा, प्रत्येक कार्ड धारक को, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी दोनों को, ये सबके लिए है, निःशुल्क है पूर्णतया, ठीक है। और ये आज इसकी शुरुआत हुई है, तो आज माननीय ब्लॉक प्रमुख इकोना जी ने इसकी शुरुआत की है यहाँ पे, और अब ये 12 से 20 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषित योजना है इसका लाभ मिलेगा कार्डधारकों को, और 20 तारीख से 30 तारीख तक जो सेकंड वितरण होगा, महीने में 2 बार वितरण होगा, एक प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना का, और ये NFSA की रेगुलर योजना कही जाती है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क कर दिया है, घोषित कर दिया है। इसमें 3 सामान ये मार्च तक मिलेगा केवल ना? जी हाँ, मार्च तक महीने में 2 बार। थैंक यू। जी हाँ, अब अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को साबुत चना, नमक, खाद्य तेल एवं खाद्यान्न का लगातार किया जाएगा निःशुल्क वितरण। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आयोडाइज नमक, दाल, साबुत चना, खाद्य तेल तथा खाद्यान्न अंत्योदय कार्ड पर प्रति कार्ड 20 किलोग्राम गेहूं और 15 किलोग्राम चावल, और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें, इस क्रम में जनपद के समस्त विकास खंडों के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आयोडाइज नमक, दाल, साबुत चना, खाद्य तेल तथा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इकोना इलाके के चिचड़ी के कोटेदार के यहाँ पर पहुँचकर ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश पांडे ने इस डबल खाद्यान्न का लाभार्थियों को वितरण किया। सावसी जनपद के इकोना इलाके के चिचड़ी कोटेदार के यहाँ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर भारी संख्या में पहुँची लाभार्थियों को ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश पांडे ने पहुँचकर अपने हाथों से वितरण किया। उन्होंने खाद्यान्न का वितरण करते हुए लाभार्थियों को बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से अब लाभार्थियों को निःशुल्क चना, तेल और नमक का भी वितरण किया जाएगा, जिसको पाने के लिए भारी तादाद में लाभार्थी पहुँचे। इकोना इलाके के चिचड़ी कोटेदार के यहाँ की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर पहुँचकर ब्लॉक प्रमुख ने इस योजना के तहत लाभार्थियों को चना, तेल व नमक का वितरण किया। इसी प्रकार जिले में अलग अलग स्थानों पर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक कोठेदार द्वारा उक्त सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया, जिसके लिए नोडल अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा नामित किया गया, जिनके द्वारा अपनी उपस्थिति में वितरण कार्य कराया गया। इसके साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक विकास खंड पर एक एक पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा उनको आमंत्रित विकास खंड में भ्रमणशील रहते हुए वितरण कार्य पर सतर्क निगरानी रखने का आदेश दिया गया। सावस्ती जनपद के अलग अलग स्थानों पर आज इस खाद्य सामग्री का वितरण हुआ। कहाँ तक पाए हो गया ये सामने का हम रामने जी का मेन तो यही है।
आप दादी जावे दे दादी आवाज बैठ जाओ चलो हो गया पापा निकल गए अलग वहाँ नहीं गए वहीं कोना इलाके के बेचू बाबा मोहल्ले में भी कोटेदार के द्वारा लोगों को निःशुल्क चना तेल और नमक का वितरण किया गया। इस दौरान भारी तादाद में लाभार्थी पहुंचे जिनको इस सामग्री का वितरण किया गया। जनाते है।